तौबा तौबा, इस पानी में देखकर बताओ वो लड़का कैसा दिखता है। कुछ दिखाई दिया? देखे उसके जूते? अरे जूते नहीं, उसकी शक्ल देखो तौबा तौबा। शकल कपड़ों के ऊपर होती है, शकल देखो उसकी। हाँ, है पता मुझे, लेकिन नहीं दिख रही है वो। वो तो वो, मुझे किसी भी हालत में बाल भी चाहिए। सुना तुमने, किसी भी हालत में। हाँ, है तरीका है, चाहे मिल अगर मुझे कोई छुई हुई चीज उस बच्चे की, सकता हूँ देख मैं शकल उसकी। अब वो मैं तुम्हें कहाँ से लाके दूँ? जाने वो आप बेवकूफ हो तुम एक नंबर के। हो समझती आप मुझे बेवकूफ, हो समझती आप मुझे गधा, हो समझती आप मुझे नाकाम, हो समझती आप मुझे बेकार, बिल्कुल अपनी तरह। ये क्या हो रहा है मुझे, क्यों मिला था चाय में बेवकूफ? Your voice, I am singing song. Soup song, flop song. Why the cola berry, cola berry, cola berry tea? Why the cola berry, cola berry, cola berry tea? Rhythm correct? Why the cola berry, cola berry, cola berry tea? Maintain please. Why this cola very ugly? And this pencil moon, moon, moon color white, white background night, night, night color black. खुश रहो डेरी डेरी परी, खुश रहो भरी भरी परी। रुकिए यहीं पे आप लोग, आता हूं मैं पहुंचा के संदेश। खुश रहो डुबा डुबा तीन, खुश रहो डुबा डुबा चार, खुश रहो। है बुलाया रानी परी ने, आई है भरी भरी परी, आई है डरी डरी परी। खुश रहो डुबा डुबा दो, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा तीन, खुश रहो। बुलाया है रानी परी ने, आई है डरी डरी परी, परी परी परी। खुश रहो डुबा डुबा एक, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा दो, खुश रहो। बुलाया है रानी परी ने, आई है भरी भरी परी, आई है डरी डरी परी। जाए बुलाया, है बुलाया रानी परी ने आपको, है स्वागत आपका। रानी परी, रानी परी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हो? रानी परी, आपने हमें जो कार्य दिया था कि उस चाय की दुकान वाले को भयंकर परी से ना मिलने दे, वो कार्य हम पूरा नहीं कर पाए। क्या मतलब, क्या चाय वाले ने भयंकर परी को बालवीर के बारे में बता दिया? नहीं, लेकिन
लेकिन क्या हुआ बताइए। उस चाय की दुकान वाले से तो उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया रानी परी, लेकिन वहां दुकान से तोबा तोबा को बालवीर का एक कपड़ा मिल गया और वो भयंकर परी के साथ उस कपड़े को भी भयंकर लोक में लेकर गया है। रानी परी, उस कपड़े में से आ रही बालवीर की सुगंध को सूंघकर भयंकर परी उस तक आसानी से पहुंच सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बालपरी। पर ऐसा हो गया तो भयंकर परी बहुत ही खतरनाक है। हम जानते हैं कि भयंकर परी बहुत खतरनाक है, पर हम पर भरोसा कीजिए, हम कभी भी भयंकर परी को बालवीर के पास नहीं पहुंचने देंगे। बालवीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप चिंता मत कीजिए बालपरी। मुझे संभालो भयंकर। नहीं, ए थप्पड़ का असर अभी भी। बेवकूफ, ये थप्पड़ का नहीं तुम्हारी बनाई हुई चाय का असर है। ये लो पी लो, सारा नशा उतर जाएगा तुम्हारा। लेकिन जब तक बालवीर मुझे नहीं मिल जाता, मुझे आराम नहीं मिलेगा। आज तुम्हारी वजह से एक बार फिर मैं है क्या लगता आपको कि हूँ मैं बेवकूफ? हाँ, है क्या लगता आपको कि हूँ मैं नाकाम? हाँ हाँ, है क्या लगता आपको कि हूँ मैं बिल्कुल आपकी तरह? हाँ हाँ हाँ। लगाए सर मेरा, फिर से पिलाओ मुझे वो रस मिला फिर से। बेवकूफ कहीं के नहीं, बेवकूफ मैं करता हूँ काम सही भी। मैं तुमने आज तक कोई सही काम किया है जो आज करोगे? आहा, है गलत आज आप और सही मैं। पहुंचाऊंगा मैं आपको उस बालवीर के पास। तुम पहुंचाओगे मुझे बालवीर के पास? कैसे? कपड़ा उसका हमारे पास। ये उसी की गंध है, ये बालवीर के पसीने की ही गंध है। अब मुझे उसे ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। रोक सकते हैं हम, भयंकर परी को बालवीर तक पहुंचने से रोक सकते हैं। मगर कैसे रानी परी? बाल परी, हमने आपको हमारे अदृश्य सुरक्षा चक्र के बारे में बताया था ना, और उसी की वजह से भयंकर परी को यह भी नहीं पता है कि बालवीर दिखता कैसा है। और भले ही भयंकर परी बालवीर को ना देख पाए, मगर तौबा तौबा बालवीर के कपड़े की मदद से अपने जादुई पानी में बालवीर की तस्वीर बना सकता है रानी परी। है दिखता कैसा बालवीर? दिखाऊंगा अब मैं आपको परी भयंकर अपने कमाल जादू से। तो जल्दी करो तौबा तौबा, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। इतने सालों के बाद आज बालवीर की तस्वीर मेरे सामने होगी और कुछ ही पलों में बालवीर खुद मेरे सामने होगा।
कैसे दिखते हो तुम बालवीर? तुम तो एक बहुत ही छोटे से मासूम से बच्चे हो। शाबाश, तौबा तौबा, पहली बार तुमने कोई सही काम किया है। अब देखती हूँ कैसे बचता है बालवीर इस भयंकर परी से। चाहे भयंकर परी बालवीर का चेहरा देख भी ले या पृथ्वी लोक पर जाकर उसे ढूंढ भी ले, तब भी वो बालवीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही वो बालवीर के 100 गज के दायरे में आएगी, हमारा सुरक्षा चक्र उसे जलाकर फेंक देगा। बहुत कुछ छीना है तुमने मुझसे, अब मैं बालवीर को अपने वश में करके एक एक चीज तुमसे वापस छीनूंगी। अब मैं बनूंगी परीलोक की नई रानी, रानी परी। दादाजी, अरे तू कहाँ चला गया था? मैं मानव और मेहर के पास गया था। मानव और मेहर के पास? मजाक करता है, मानव और मेहर तो स्कूल गए पढ़ने के लिए। और मैं तुझे यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, तू एक टिक के बैठता ही नहीं। बेटा तुम बैठोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? पर आप ही ने तो कहा था कि आपको ख ग क आपको आता नहीं है। आपको क ख ग नहीं आते? आपकी ना अभी उम्र हो गई। अरे आप ठीक से सिखाओगे नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? हाँ आजा बेटा, मैं सिखाती हूँ। पहले हम ना ओ आ ई से शुरुआत करेंगे। इसका मतलब दादाजी मुझे जो सिखा रहे थे ख ग ग वो गलत था? अरे नहीं भाई, वो गलत नहीं है। तो दादी मुझे जो सिखा रही है वो गलत है? नहीं नहीं, वो भी सही है। कमाल है, ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों सही हो? क्योंकि बेटा ये दोनों अलग अलग है ना। है? आप दोनों मुझे अलग अलग सिखाओगे तो मैं उलझ नहीं जाऊंगा। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? जाने दो जाने दो, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें सीधा बात करना ही सिखाता हूँ। हाँ। पर बात करना तो मुझे आता है, कर तो रहा हूँ आपसे बात। से नहीं बेटा, मैं तुम्हें इंग्लिश में बात करना सिखाऊंगा। इंग्लिश? ये क्या होता है? बेटा ये एक विदेशी भाषा है। तो हम विदेशी भाषा का उपयोग क्यों करेंगे? वो बेटा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देखो बेटा, अब मैं जो बोलता हूँ ना उसे तुम दोहराओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब शुभ प्रभात। अभी ये हमें कहो। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग दादी जी। हाँ ठीक है ना। गुड मॉर्निंग माँ। क्या कहा? गुड मॉर्निंग। आगे? गुड मॉर्निंग माँ। तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज से तुम मुझे माँ ही बुलाना। माँ ये हो गया, मैं ले जाऊं? मैं ले जाऊं? ठीक है ले जाओ। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। बालवीर सब काम सही करता है और तुम सब गलत। बालवीर तू नहीं समझेगा। मम्मी दादी, आपको पता है स्कूल में क्या हुआ था? हाँ पता है क्या हुआ? क्या? बालवीर आया था हमें मोंटू से बचाने। बालवीर? हाँ। दादी दादी आपको पता है बालवीर आया था? अच्छा। हाँ दादा आपको पता है
हाँ बेटा, लेकिन आराम से, आराम। मम्मी मम्मी आपको पता है बालवीर ने एकदम आराम से मोंटू के पास खड़े कर दिए थे, वो भी करंट से। और आपको पता है दादी, उसने ना उसके फ्रेंड्स को डॉग बना दिया था, डॉग डॉग। और दादी आपको पता है बालवीर ने ऐसा जादू किया कि मोंटू ऊपर लटक रहा था और उससे जंप भी करवाया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और आपको पता है मम्मी, बालवीर ने मोंटू पर ऐसा जादू किया कि पूछो मत, वो अपने ही दोस्तों से लड़ रहा था, मर मर ही कर रहा था। अच्छा। और दादाजी आपको पता है उसने एक और जादू किया जिससे मोंटू को बीड़ी दी थी बकरी और प्रिंसिपल बैल दिखाई दे रही थी और उसके खुद के पापा बंदर। अरे बेटा तुम लोग बहुत भोले हो, ये दादी की कहानियाँ सुनकर और फिल्में देखकर सब बातें सच मान लेते हो। नहीं दादाजी मैं सच कह रही हूँ, दादी मैं सच कह रही हूँ, वो हमारी मदद करने के लिए आया था। ओके ओके ठीक है, लेकिन अगली बार आएगा तो हम सबसे मिलवा देना, दादा दादी मुझसे पापा से सबसे। ओके लेकिन अभी जाओ अपने कपड़े चेंज करो और कुछ खा लेना, चल 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 गो फास्ट। पल्लू पल्लू बेटा लगी तूने? नहीं, मैं ले लेती हूँ। पल्लू तुझे कुछ नहीं आता, पतीला गिरा दिया कॉकरोच भी डरता है। अरे बालवीर को देख, उसमें कितनी हिम्मत है, मोंटू कितना मजा चकाया उसने। और तुम्हें पता है वो हमारे पास ऐसे ही नहीं आया, उसे रानी परी ने भेजा हमारे पास। दादी मैं सच कह रही हूँ ना कि रानी परी ने ही भेजा होगा ना बालवीर को, आप कहती है ना कि रानी परी सच्चे और अच्छे बच्चों की मदद करती है। हाँ। यस, दिखा। चलो मानव। हाँ चल। क्या माँ जी आप भी कैसी कैसी कहानियाँ सुनाती है बच्चों को, सब आपकी कहानियों का असर है। अरे बहू बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना, बस उनके चेहरे पर खुशी आ गई वही काफी है मेरे लिए, फिर भले वो खुशी कहानी में बसे वो बालवीर की वजह से हो। वो तो है, लेकिन नाम भी क्या ढूंढ निकाला है, बालवीर। मम्मी, दादा, दादा जी, जल्दी बाहर चलो। ए बेटा क्या हुआ, बाहर बालवीर आया है क्या? बालवीर को भी बुला लेंगे, पहले चल के ब्रोकी चाचू को बचाओ, हमने अपने कमरे से देखा कि वो पेड़ में चढ़ गए और कभी भी गिर सकते हैं, जल्दी जल्दी चलो। क्या? हाँ चलिए माँ, मामा जी। अरे बाप रे, अरे ऊपर कैसे चढ़ गया, अरे बेटा, अरे भगवान, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, अरे बाप रे। मियां अब देखो, अब तुम घबराओ मत, देखो सब लोग आ गए, अब हम लोग जल्दी नीचे उतर जाएंगे। अरे तू ऊपर चढ़ाई क्यों? हाँ, बिल्ली को ही चढ़ने दे देना। हाँ, नहीं उसे नहीं चढ़ना था। हाँ, सिर्फ अकेले ही चढ़ देना। हाँ, किसी को भी ऊपर चढ़ने की जरूरत क्या थी? अब भी सी। अरे आप वही रहिए, हम लोग कुछ करते हैं। सब लोग आ गए और हमें उतरने के लिए कह रहे हैं, देखो सब लोग हमें वो नीचे उतारेंगे। अरे क्या जरूरत थी चाचू को पेड़ में चढ़ने की, रानी परी प्लीज मेरे चाचू को बचाओ प्लीज। बालवीर होता तो अभी चाचू को मैजिकल पावर से नीचे उतार देता। हाँ, तो बुलाओ ना बालवीर को। अरे वो खुद से आएगा। हाँ वो खुद से नहीं आएगा, उसको बुलाना पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता? ओ चाचू चाचू गिरो मत, गिरो मत, गिरो बीबी बी प्लीज जल्दी आ जाओ, हमारे चाचू की मदद करो प्लीज 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 प्लीज। बालवीर बालवीर तुम कहाँ हो? अरे तुम लोग मेरा हाथ छोड़ोगे तो भी तो आएगा बालवीर, क्या करूं क्या करूं मैं। हाँ सीढ़ी। अरे मेरा हाथ छोड़ो ना, मैं वो सीढ़ी लेके आता हूँ। जल्दी आना। Bye.